गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ झंडा तोलन किया गया। हिलसा में भी निजी एवं सरकारी स्थानों पर झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया। वहीं हिलसा के मुख्य समारोह स्थल राम बाबू उच्च विद्यालय के मैदान में झंडा तोलन का कार्यक्रम किया गया, जहां हिलसा के अनुमंडल पदाधिकारी राधेकांत ने झंडा तोलन किया। झंडा तोलन के बाद राष्ट्रगान के साथ बालिकाओं ने इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। इस मौके पर हिलसा के स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी शरण प्रेम मुखिया, DSP कृष्ण मुरारी, हिलसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संदीप कुमार, हिलसा थाना अध्यक्ष सुरेश प्रसाद समेत हिलसा के कई पदाधिकारी एवं आम जन उपस्थित। 18 दिन लगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान बना। सरकार द्वारा जन कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जैसे आवास योजना, पेंशन योजना, आम लोगों को सूचना का अधिकार दिया गया है। लोक अधिकार अधिनियम के तहत निश्चित समय सीमा के अंदर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की सुविधा लोगों को दी गई है। आम लोगों को रोजगार देने के लिए अन्य योजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु वाहन खरीदने हेतु अनुदान दिया जा रहा है, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण समाज के सभी लोग उठा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति का कार्यक्रम पैक्स के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। कोरोना महामारी 2019 के व्यापक फैलाव को देखते हुए सरकार द्वारा व्यापक प्रबंध किया गया है, ताकि आम लोगों को प्रभावित होने से बचाया जा सके। आज हमें गर्व है कि अत्यंत कम समय में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका बनाकर तैयार किया है, जो विश्व के लगभग 200 देशों में, हमारा देश उन 5-6 देशों में से है जिसने कोरोना का टीका बनाया है, जो एक गर्व का विषय है। कोरोना का टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। इन सब प्रगतियों के साथ साथ आज हम अंतरिक्ष क्षेत्र में मंगलयान भेज दें, दूर अंतरिक्ष में उपग्रह भेज दें, खेती एवं अन्य क्षेत्रों के विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, जो प्रत्येक भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। अमर शहीदों को नमन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।